तो क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं रेलवे हॉलिक। तो स्वागत है आपका रेलवे हॉलिक चैनल पे। तो आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है रायपुर जंक्शन वर्सेस बिलासपुर जंक्शन के बीच में। तो ये दोनों सिटी छत्तीसगढ़ के सिटी हैं, जो कि एक कैपिटल है रायपुर जंक्शन और ये एक बहुत बड़ी सिटी है बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ के। तो आइए देखते हैं ये दोनों रेलवे स्टेशन में कौन सा रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए बिना कोई देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले इनके कोड और जोन के बारे में, उसके बाद कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो कोड है रायपुर जंक्शन का R और बिलासपुर जंक्शन का BSP, और वहीं पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये दोनों को ऑपरेट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्थापना यानी कि एस्टैब्लिश्ड के बारे में। तो 1888 में रायपुर जंक्शन की स्थापना हो चुकी थी, और उससे एक साल के बाद 1889 में बिलासपुर की स्थापना हुई। और इलेक्ट्रिफाइड के मामले में बात करें तो 1935 से शुरू हुई रायपुर की इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि 1945 में ख़त्म हुई। वहीं पे 1969 में शुरू हुई बिलासपुर की इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि 1970 में ख़त्म हो गई। तो इस मामले में भी रायपुर जंक्शन आगे है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म के मामले में। तो प्लेटफॉर्म के मामले में बिलासपुर में 9 प्लेटफॉर्म है, जिसमें 6 मेन लाइन और 3 टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। वहीं पे रायपुर में 7 ही प्लेटफॉर्म है, तो इस मामले में बिलासपुर आगे है। ट्रैक के मामले में भी बिलासपुर आगे है 18 ट्रैक्स के साथ, वहीं पे रायपुर में 12 ट्रैक ही है। तो अब हॉल्टिंग ट्रेनों के मामले में बात कर लेते हैं। तो हॉल्टिंग ट्रेनों के मामले में रायपुर आगे है, 151 ट्रेन की हॉल्ट यहाँ पे है, यानी 151 ट्रेनें आके यहाँ हॉल्ट लेती हैं। वहीं पे 106 ट्रेनें बिलासपुर में आके हॉल्ट लेती हैं। ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में यहाँ पे बिलासपुर आगे है, जो कि 29 ट्रेनें यहाँ से खुलती है और 29 ट्रेनें आके यहाँ पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। वहीं पे 21 ट्रेनें 21 ट्रेनें रायपुर से खुलती हैं और समाप्त होती हैं। गूगल रेटिंग के हिसाब से रायपुर की जो रेटिंग है वो है 4.2 की, और 4.4 की रेटिंग बिलासपुर को मिलती है। तो इस मामले में बिलासपुर आगे है। तो अब बात करते हैं रेलवे रूट के मामले में। तो दोनों ही रेलवे स्टेशन से दो दो रेलवे रूट निकले हुए हैं। तो रेलवे रूट जो बिलासपुर का है वो है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और बिलासपुर कटनी लाइन, और जो कि रायपुर से निकला हुआ है वो है बिलासपुर नागपुर और सेक्शन, और रायपुर विजयनगर है। तो ये दोनों का दो दो रेलवे रूट था। अब पैसेंजर पर डे के मामले में बात करते हैं। तो एवरेज गूगल विकिपीडिया के हिसाब से 5,50,000 पैसेंजर पर डे रायपुर से ट्रैवल करते हैं। वहीं पे 4,50,000 ट्रैवल पैसेंजर आपको बिलासपुर से डेली ट्रैवल करते हैं। तो इस मामले में तो बिलासपुर पीछे रह गया है और आगे रायपुर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पूरे कंपैरिजन वीडियो में विनर कौन है, जीता कौन है। तो हमने 9 पॉइंट की ये कंपैरिजन रखी थी, जिसमें 4 पॉइंट बिलासपुर को मिले हैं और 4 पॉइंट रायपुर को मिले हैं, और 1 पॉइंट जो है रेलवे रूट वाला वो दोनों बराबर में ख़त्म हो गया है। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन एकदम बराबर हैं, इनमें कोई ना आगे है ना कोई पीछे है। तो स्थापना और इलेक्ट्रिफिकेशन में रायपुर आगे है, वहीं पे प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स में बिलासपुर आगे है। हॉल्टिंग ट्रेनों में रायपुर आगे है, तो ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में बिलासपुर आगे है। पैसेंजर पर डे में रायपुर आगे है, तो गूगल रेटिंग में बिलासपुर आगे है। और दोनों के रेलवे रूट सेम ही हैं लगभग, तो दोनों बराबर के रेलवे स्टेशन हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको भी अगर ऐसा कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।